हेलो गाइस, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर मैं आप लोग के बीच में हाजिर हूँ गाइस, मिक्सर का सवाल लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस, क्योंकि ये आपको एक कंपटीशन एग्जाम में मिक्सर से सवाल मिलते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं गाइस आज का सवाल। बर्तन ए में दूध और पानी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है तथा बर्तन बी में यह अनुपात 5:3 है। इन दोनों बर्तन में मिश्रणों का अनुपात 1:2 है। दो है यदि इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में होगा। पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसकी क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए, बर्तन ए है हमारा, मान लेते हैं ये बर्तन ए है गाइस, ठीक है। इसमें जो है दो दूध और पानी का अनुपात जो रखा गया है वो 4:5 में, ठीक है। उसी तरह आपका बर्तन बी है गाइस, ठीक है। बर्तन बी है, इसमें जो है दूध और पानी का अनुपात जो है आपका 5:3 ये अनुपात में है। और अगला बोलता है कि इन दोनों बर्तनों में मिश्रणों का अनुपात 1:2 है। कहने का मतलब है कि इसमें अगर मान लेते हैं 1 लीटर टोटल मिश्रण है तो इसमें आपका कितना होगा, 2 लीटर। यही है आपका, ये इसका कहने का तात्पर्य। अब बोलता है कि अगला कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए। अगर इन दोनों बर्तन के मिश्रण जो है आपस, यानी कि 3 लीटर का टोटल मिला दिया जाए, तो 3 लीटर में आप लोगों को बताना है कि दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। ये आपका सी वाला में, ठीक है ना। इसमें हमको पूछा गया है आपका मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है। चलिए गाइस, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं कि क्या होगा। बहुत ही बेसिक मेथड है, बहुत इजी तरीके से है ना। इसको ये सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, इस टाइप के मिक्सर के सवाल आते ही आते हैं, एडवांस लेवल का ये सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस। अब हम इसमें पता कर लेंगे, बर्तन ए में सबसे पहले पता करेंगे 1 लीटर मिश्रण में हमारा दूध का अनुपात कितना है, पानी का अनुपात है कितना है। उसी तरह बर्तन बी में जो है 2 लीटर मिश्रण में दूध का अनुपात कितना होगा और पानी का अनुपात कितना होगा, ये सबसे पहले पता कर लेते हैं। चलिए गाइस, M1 पता कर लेते हैं, ये 4:1 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा इंटू 1 लीटर, तो हमारा 4/9 लीटर हो जाएगा दूध का। और वाटर का हम निकाल लेते हैं, वो आएगा 5/9 इंटू 1 लीटर, इसका भी हो जाएगा 5/9 लीटर, यानी कि दूध का अनुपात कितना हो गया और पानी का अनुपात कितना हो गया बर्तन ए में। बर्तन बी में हम लोग देख लेते हैं, 5/5 बर्तन बी का देख लेते हैं, यानी कि M2 दर्शा सकते हैं गाइस, ठीक है। 5/8 हो गया इंटू 2 लीटर, तो आपका आ जाएगा 5/4 लीटर। और वाटर टू में देखते हैं, 3/8 इंटू 2 लीटर इज इक्वल टू 3/4 लीटर। टोटल जो है हमारा बर्तन बी में इतना आपका दूध का हो गया और इतना आपका पानी का हो गया। अब इन दोनों को मिश्रण को मिलाकर हमको बताना है कि बर्तन सी में जो है कि दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। चलिएगा, हमारा दूध कितना है बर्तन ए में, इतना है बर्तन बी में, इतना है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4/9 प्लस 5/4 अनुपात में आपका हो जाएगा वाटर का 5/9 प्लस 3/4, ये हो जाएगा। अब दोनों को लसा निकाल दीजिए, 36 हो गया गाइस, 16 आ जाएगा यहाँ पर आपका हो गया, 45 आ जाएगा अनुपात, 36 हो जाएगा भाई यहाँ पर ही होगा 20 प्लस 9 = 27, टोटल कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पर अगर करिएगा तो 61 आ जाएगा टोटल। 6/5 = 6/36, और यहाँ जो आ जाएगा आपका टोटल 9 गाइस। अगर अनुपात की बात करें तो 47, यही हमारा आंसर होगा। कहने का तात्पर्य है बर्तन सी में जो है वाटर का अनुपात, दूध और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा गाइस, 61:47। यही बहुत इजी सवाल है गाइस, बेसिक मेथड है, बहुत अच्छा है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं मिक्सर से के, क्योंकि मिक्सर में अक्सर जो बच्चे होते हैं ये सवाल जो है छूटता है उनसे गाइस। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल होते हैं मिक्सर का, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। अगर इस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो सवाल है मैं आप लोग को वही सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो आप लोग को सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो ये
वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये आज का सवाल कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक आप दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।